अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FPSC के शुरू कुछ जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड ऑफ फेबरी को आई है, ये 3rd of February जो है ना, तब आई है। तो इसके बाद इसमें यह है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं। हम लोग जनरल सीट है जो इसमें, जिसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम सीट है, हम उस पर फोकस करेंगे। बाकी बहुत सारी सीट्स हैं वो देख लें उसके अकॉर्डिंग। ये असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है 16 स्केल की, 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री। इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट जो है ना, 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड जो है वो 100 वर्ड पर मिनट। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर के बारे में हावना होनी चाहिए। उसके बाद ये दी गई है नंबर ऑफ वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट में 2 है पाकिस्तान, ये फाइनेंस डिवीजन में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रेलवे बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैटेगरी वाइज ना कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब में इतनी है, सिंध में इतनी है, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा वगैरह में। तो यहाँ से आप लोग इसका चेक कर सकते हैं कितनी कितनी किधर किधर है। इसके बाद आ गया सीनियर रिसर्च ऑफिसर 18 ग्रेड की। ये जितनी भी सीट है मोस्टली ये भी 3 ईयर्स, इसमें पोस्ट डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेनोग्राफर, ये जो है ना स्पेसिफिक फील्ड आ जाती हैं, तो ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा। तो जो इसमें कॉमन सीट है मतलब मैं उसी को, जैसे इसमें आ गई एरिया एजुकेशन ऑफिसर है, इसमें 2nd क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए इसमें, लेकिन 12 ईयर एक्सपीरियंस भी है, ये भी नहीं मैं कर रहा डिस्कस। फिर मेडिकल ऑफिसर, उसमें MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन जोलॉजिस्ट, इसमें जो है मास्टर डिग्री जोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। उसके बाद आ गया जी ये डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इसमें IT वाले, और आगे आ जाए तो इसमें ये सीनियर ऑडिटर, इसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई है ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके इन जॉब्स के बारे में। सीनियर ऑडिटर 16 स्केल है, ये पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आई हुई है सीट, 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट। ये जिसकी भी ग्रेजुएशन जो है वो फाइनेंस में है, अकाउंटिंग में है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट है, मैथमेटिक है, वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। HEC से जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होगी। एज लिमिट इसमें 20 to 28 है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, और इसमें 400 टोटल सीट है, 407 टोटल सीट है, 407 डोमिसाइल के हिसाब से पंजाब में 200 है, 203 ओपन मैरिट, 100 है, 137 जो है ना, 173 ओपन मैरिड है, वुमेन को 20 दी गई है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम को 10 दी गई है, सिंध रूरल जो है वो उसको 46 है, ओपन मैरिड 40 है, वुमेन कोटा जो है वो 4 है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम वगैरह को 2 है, सिंध में 32 और इसमें ओपन मैरिड 26 है, देन वुमेन कोटा 4 है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम को 2 है, खैबर पख्तूनख्वा में 47 है, ओपन मैरिट 40 है, वुमेन को 4 दे दी, मिनोरिटी या नॉन मुस्लिम को 3, इसी तरह बलोचिस्तान 25, ओपन मैरिट 22, वुमेन कोटा 2, मिनोरिटी भी इसी तरह, फाटा में 12 है, ओपन मैरिट 10 है, वुमेन को 1 दे दी, नॉन मुस्लिम को भी 1, GB में भी इसी तरह कुछ 4 है, ओपन मैरिट 3 है, वुमेन को 1 दे देगी, AGK में 8 है, 7 एंड वुमेन 1, इसी तरह से ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो जिन लोगों की ये डिग्री है वो ज़रूर इनमें अप्लाई करें। और इसके अलावा ये लेक्चरर की हैं, कुछ सीट्स आई हुई लेक्चरर मेल की, इसमें 2nd क्लास मास्टर डिग्री अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट में चेक कर सकते हैं, जिस तरह साइकोलॉजी में एक है,
फिर बॉटनी है, वन कॉमर्स की है, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इसी तरह ये डिफरेंट पार्क स्टडी, हिस्ट्री, ये जो है ना डिफरेंट सीट दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें 49 टोटल सीट है, मेरिट 4, पंजाब 24, ओपन मेरिट 23 एंड माइनॉरिटी, इसी तरह ये आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं इनकी, डिफरेंट वे से ना किया होता है इन्होंने कैटेगराइज। तो इसमें जो जो लोग एलिजिबल है वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। ये 25th of July, 50th जुलाई तक ये जो है ना एडमिशन सर्टिफिकेट वो कह रहे हैं कि वेबसाइट पे दे देंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता, समटाइम लेट भी हो सकता है, लेट ही हो जाता है, जल्दी नहीं होता, क्योंकि इनके काफ़ी COVID-19 की वजह से पहले भी काफ़ी टेस्ट पेंडिंग पड़ी हुए हैं। लास्ट डेट इसकी क्लोजिंग है 22nd of February 2021। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर उसको कमेंट में जो है वो लिखे, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।